नमस्कार साथियों महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बी एस सी पार्ट सेकेंड के डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर का अध्ययन अपन इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं इससे पहले हमने फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन का अध्ययन किया एंड देन फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का अध्ययन अपन कर चुके हैं सिंगुलर सॉल्यूशन का अध्ययन अपन पहले वीडियोस के अंदर कर चुके हैं अब आज जो नया टॉपिक ले रहे हैं डिफ्रेंसियल इसको अपन अध्ययन करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशियंट्स की जो फॉर्मेशन रहेगी वो कुछ इस तरह की रहेगी डी एन प्लस ए वन डी ऑफ एन माइनस वन plus a 2 d of n minus 2 and plus a n of y is equal to q of x where d stand for differentiations with respect to x and a 1 a 2 a 2 and a n अपन कहें कि अचर इसीलिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं कि एक रेखी अवकल समीकरण है अचर गुणांकों वाली तो इसके सॉल्यूशन की बात अपन करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं कि एफ डी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स एफ डी ऑफ वाई इक्वल टू क्यू एक्स वेर एफ डी स्टैंड फॉर डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू एंड प्लस ए एन दिस इज एफ ऑफ डी स्टैंड स्टैंडिंग फॉर दैट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई क्यू एक्स हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास एक होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस या पूरक फलन पूरक फलन और उसके सॉल्यूशन का दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। टिकुलर इंटीगल या विशिष्ट समाकल पूरक फलन जिसको अपन यू से डिनोट नोट करेंगे एंड इसको अपन वी से डिनोट नोट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू तो यू प्लस वी दी समीकरण का संपूर्ण हल कहलाएगा अब पूरक फलन क्या होता है इसकी चर्चा करते हैं अपन सबसे पहले एंड पूरक फलन के बाद के अंदर विशेष समाकलन क्या होता है और अगर ये दोनों निकाल फिर इनका दोनों का निकालने की चर्चा करेंगे इनको कैसे निकालते हैं तो चलिए पहले अपन चर्चा करते हैं कि पूरक फलन क्या होता है हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये लियू एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समघातीय पार्ट एंड अगर मैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स लि तो उस केस के अंदर ये हो जाती है मोजीनियस पार्ट ऑफ डिफरेंसियल इक्वेशन तो जब होमोजीनियस पार्ट ऑफ डिफरेंसियल इक्वेशन से हमें सी एफ या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या पूरक फलन प्राप्त होगा ये जो है नॉन मोजीनियस पार्ट जिसके अंदर हम राइट हैंड साइड को जीरो नहीं लेते Qx क्यू एक्स को कंसिडर करते हैं हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में वो जो सोल्यूशन देगा उस सोल्यूशन को अपन बोल देते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। एफ डी वाई इजिकल टू इक्वल टू अगर अपन जीरो लें तो हमें पता है कि ये आपके पास एन एथ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी को अपने लिखा था कुछ इस तरह से एफ डी इज नथिंग बट द डी एन प्लस ए वन डी ऑफ एन माइनस वन प्लस ए टू डी ऑफ एन माइनस टू एंड प्लस ए एन इज दिस इज आवर एफ डी एंड वेर डी इज स्टैंड फॉर डी वाई डी एक्स तो इसका जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो एन सोल्यूशन आएंगे एफ डी वाई के क्योंकि डिफरेंसियल इक्वेशन होगी और एन एथ ऑर्डर की डिफरेंसियल इक्वेशन है एन एथ ऑर्डर की डिफरेंसियल इक्वेशन इसके एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा तो मान लिया माना वाई इज इक्वल टू वाई वन वाई टू एंड वाई एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट Solution of this differential इक्वेशन तो उसके अंदर इसका मतलब एंड ऑल्सो एफ डी ऑफ सी वाई वन लेगा तो उसका मान भी हमारे पास रहेगा सी एफ डी ऑफ वाई वन इज जीरो क्योंकि वाई वन इज ए सोल्यूशन एंड वाई वन इज सेटिस्फाई दिस Differential equation. So f d y1 is zero, but we see that the f d c1 y1 is also zero. It means if y1 is zero, then c1 y1. If y1 is a solution of the this differential equation, then c1 y1 is also the solution of differential equation. And also we can say c1 y1. This gives us c2 y2 and c n yn is also solution of two this differential equation because fd c1y1 plus c2y2 and plus cnyn is nothing but the c1 fd of y1 Plus C two F D of Y two and plus C N F D of Y N and this is C one zero, C two zero and C N zero means uh, this. It means if Y1 y2 y n are the linearly independent solution of our differential equation f d y is equal to 0, then c 1 y 1 plus c2 y2 plus c 1 y n is also the solution of differential equation 2, f d y is equal to 0 when we consider the right hand side is 0. Uh, we say we say u is equal to c 1 y 1 प्लस सी टू वाई टू एंड प्लस सी एन वाई एन एंड दिस यू इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोबारा देखिए जब हम हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्यू एक्स को अपन जीरो मान लेते हैं और एफ डी वाई इज इक्वल टू जीरो लेकर कंसीडर करते हैं और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं क्योंकि ये एनथ ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेश है इसलिए इसके एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस मिलेंगे अपन को जिनको अपन वाई वन वाई टू वाई एन मान अगर मान लें तो उस केस के अंदर एफ डी वाई वन इज इक्वल टू जीरो बिकॉज वाई वन विलटिसफाई दिस वन एंड ऑल्सो वी से दैट एफ डी सी वन वाई वन इज ऑल्सो जीरो इट मीन्स वाई वन इज जीरो मीन्स सी वन वाई वन इज ऑल्सो सोल्यूशन एंड आल् लीनियर कॉम्बिनेशन इफ यू कंसिडर वाई वन वाई टू वाई एन का तो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज अगेन ए सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन ही हमारे डिफ़रेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सी एफ कहलाता है अब देखिए अपना दूसरा पार्ट जो था कि पर्टिकुलर इंटीगल तो पर्टिकुलर इंटीगल क्या होता है इसको देखते हैं अपने पार्टिकुलर इंटीग्रल या विशिष्ट समार्ग जब हम हमारे सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का एफडी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स मीन्स नॉन होमोजीनियस पार्ट को कंसिडर करें और इसका सॉल्यूशन माने माना y इज इक्वल टू वी इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इट मीन्स एफ डी वी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स अभी हमने सी एफ लिया था और सी एफ के लिए अपने कहा कि लेट वाई इज इक्वल टू यू इज ए सी एफ एंड दिस सी एफ इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी यू इज इक्वल टू एफ डी वाई टू जीरो मीन्स एफ डी यू टू जीरो एंड इफ यू सी एफ डी ऑफ यू प्लस वी तो अपने पास आ जाएगा एफ डी एक ऑपरेटर है U पर ऑपरेटर होगा प्लस एफ डी वी पर ऑपरेटर ऑपरेटर होता है तो दिस गिवज एंड एफ डी जब वी प्रो ऑपरेटर होता है तो दिस गिवज एस क्यू एक्स क्योंकि हमने माना है कि V इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वेन वी कंसिडर द राइट हैंड साइड आल्सो तो इन दैट केस एफ डी यू प्लस वी इज इक्वल टू आ गया क्यू ऑफ एक्स एंड दिस यू प्लस वी या अपन कहें कि वाई इज इक्वल टू यू प्लस वी इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेसन एफ डी वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स तो हमारा इस चैप्टर के अंदर एम रहेगा कि हम हमारे U का मान निकालें जिसको अपन कह रहे हैं कि दिस इज दी एफ एंड हम हमारे अपने v का मान निकालें u का मान निकलेगा जब राइट हैंड साइड को अपन जीरो मान लेंगे और v का मान निकलेंगे जब राइट हैंड साइड को कंसिडर करते हुए इसको अपन सोल्व करेंगे एफ डी वाई इज इकल टू क्यू एक्स एंड इन दैट केस वी विल गेट वाई इज इकल टू यू वी इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन एफ डी वी इज क्यू एक्स देन दिस विल कार्ड द पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशिष्ट समाक बट द कम्प्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस बी u प्लस v यू इज इक्वल टू आवर our cf तो अपन अब आगे देखेंगे कि सी एफ अपन कैसे निकाल सकते हैं और सी एफ निकालने के लिए हमारे पास एक्ज इक्वेशन लेंगे चलिए अपन माना डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डी वाई इज इक्वल टू तो क्यू एक्स And for CF, we consider FD y is equal to zero, and FD is dn plus a1 dn minus one plus चलिए एक और dn minus two plus an of y. इक्वल टू जीरो अब हमें वाई की की वैल्यू निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे ये एक्चुअल कुछ इस तरह कैसा है कि डी एन वाई ऑफ डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन ऑफ वाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू ऑफ वाई डी एक्स एन माइनस टू एंड प्लस ए एन वाई इजिकल टू जीरो लेट वाई इज इक्ल टू ई की पावर एम एक्स बी ए सोल्यूशन ऑफ वन इसका हम एक सोल्यूशन y इक्वल टू ई की पावर एमएक्स की ई की पावर एमएक्स अगर सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा और ई की पावर एमएक्स का मैं अगर यहां मान रख दूं तो मेरे पास आ जाएगा एम की पावर एन ई की पावर एम एक्स प्लस ए वन एम की पावर एन माइनस वन एक्सपोनशियल ऑफ एम एक्स प्लस ए टू एम रेस्ट पावर एन माइनस टू माइनसियल ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू जीरो और या अपन ये कह सकते हैं एक्सपोनशियल ऑफ एम एक्स एम एन प्लस ए वन एम एन माइनस वन प्लस ए टू mn minus 2 and plus a n is equal to 0. But we know that emx is not equal to 0. emx is not equal to 0. It means this is 0. So this is gives us mn a1m key power n minus 1 plus a2m key power n minus 2 and plus a n is 0. हमने यहां लिया कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन देखिए राइट हैंड साइड हम जीरो ले रहे हैं इन दैट केस अगर वाई इज इक्वल टू एम एक्स अगर सॉल्यूशन है तो उस केस के अंदर दिस विल बी जीरो एंड दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एम इज जीरो दिस इज आवर एफ डी दिस इज आवर एफ डी तो इस डी के अंदर हमने सिर्फ क्या चेंज कर दिया डी को अपने एम से रिप्लेस कर दिया तो एंड दिस एफ एम इज जीरो इक्वेशन या सहायक समीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है सी एफ का तो इससे हम देखते हैं कि यहां एम के एन रूट आएंगे तो एम इज इक्वल टू वी विल गेट एम वन एम टू एंड एम एन और सोल्यूशन अपने पास क्या आ जाएगा ई इज इक्वल टू एम वन एक्स इज इक्वल टू एम टू एक्स एंड एक्सपोनेशियल ऑफ एम एन एक्स दिस वन इज आवर वाई वन दिस इज आवर वाई टू एंड दिस इज I can say, yn. तो जो अपने y1, y2, yn, जो अपने हमने सोल्यूशन निकलने थे राइट हैंड साइड को जीरो लेने पर तो वो सोल्यूशन अपने पास ये रहेंगे तो ये सोल्यूशन कहाँ से आ रहे हैं कि अगर अपने डिफरेंसियल इक्वेशन एफ डी वाई इक्वल टू जीरो है उस डिफरेंसियल इक्वेशन में एफ डी वाई इक्वल टू जीरो की जगह एफ एम इजल टू जीरो ले लेंगे जो कि हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सहायक समीकरण काम करेंगे और इसके जो रूट आएंगे एम वन एम टू एम एन उन रूट से हमारे पास एक्सपोनेशियल ऑफ एम वन एक्स एक्सपोनल ऑफ एम टू एक्स एक्सपोनशियल ऑफ एम एन एक्स आल आर दोल्यूशन ऑफ आवर डिफरेंशियल इक्वेशन तो अभी हमें सिर्फ सहायक समीकरण की बात करनी थी तो ये हमारी सहायक समीकरण रहेगी नेक्स्ट वीडियोज के अंदर अपन चर्चा करेंगे कि इनके जो रूट्स हैं वो अगर रिपीटेड रूट्स है कॉम्प्लेक्स रूट है या किस टाइप के रूट हैं उस हिसाब से इनके सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या रहेगा तो इस तरह से अपने इस वीडियोज के अंदर हमने सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन किया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन ऑर्डर विद कॉन्स्टेंट कोफिस की फॉर्मेशन क्या रहेगी एफ डी वाई इजल टू क्यू एक्स उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है, um, है इसके अपने पास दो सॉल्यूशन होगा एक सॉल्यूशन अपना इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाएगा एक सॉल्यूशन इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो होगा जब हम हमारे राइट हैंड साइड को उसको जीरो मान लेते हैं और जब राइट हैंड साइड को जीरो नहीं माने और इस डिफरेंशियल को सोल्व करेंगे तो हमारे पास पर्टिकुलर समाकलन आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और पर्टिकुलर फंक्शंस का सम हमारे हुई समीकरण का जनरल सॉल्यूशन या संपूर्ण हल कहलाएगा इसके अंदर हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है उसके लिए हमें एक्जरी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है सहायक समीकरण की जरूरत पड़ती है तो उसकी अपन ने चर्चा कर ली कि अपन एग्जिलरी इक्वेश किस तरह से बनाएंगे धन्यवाद